अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन 6s प्लस मोबाइल आया है पासकोड में, और अभी हम लोग इसका आई क्लाउड भी रिमूव करेंगे विद सिग्नल के साथ, मतलब आई क्लाउड रिमूव करेंगे और सिग्नल के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है इसको DFU मोड पे लेकर जाना है, इसको क्लिक करना है, PWM DFU मोड पे क्लिक करना है और अनलॉकेबल पे क्लिक कर लो। पावर एंड होम बटन प्रेस करके जब फोन ऑफ हो जाए तो 5 सेकंड के लिए आपने पावर बटन रखना है और डायरेक्ट छोड़ना है 5 सेकंड के बाद, और होम बटन नहीं छोड़ना है, उसको प्रेस ही रखना है, तो आपका फोन PWMD मोड पे चला जाएगा। अभी इंतज़ार करेंगे कि फ़ोन DFU मोड पे चला जाए, उससे आगे फिर इंशाल्लाह प्रोसेस बताएंगे। जैसे तरीक़ेकार मैंने बता दिया वैसे ही करना है, पावर बटन को सिर्फ 5 सेकंड के लिए रखना है और होम बटन को प्रेस रखना है, ठीक है। PWMD मोड पे चला गया, आपने साथ साथ ड्राइवर भी देखना है, ये देख सकते हैं LUB ड्राइवर, LIB ड्राइवर उठाया है और ये PWMD FU मोड पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बूट रैम डिस्क करना है, बूट रैम डिस्क के बाद आगे और प्रोसेस बताएंगे। कभी कभार ये ड्राइवर छोड़ देता है तो आपने कोशिश करना है फिर पावर की प्रेस करना है 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, ठीक है। इस वजह से मैं ड्राइवर मेन्यू शो कर रहा हूँ, DRAM डिस्क मोड पे चला गया, ठीक है फोन। और अभी हम लोगों ने बैकअप पासकोड लेना है, ठीक है, पे क्लिक किया बैकअप पासवर्ड पे, ये रहा बैकअप पासवर्ड ले लिया इसने, ये देख सकते हैं ये बैकअप ले लिया इसने, ठीक है। ये सारा बैकअप है पासवर्ड का और iCloud रिमूव हो जाएगा सिग्नल के साथ ही, ठीक है। उसके बाद आपने फैक्ट्री रिसेट करना है और फैक्ट्री रिसेट में टाइम लेगा तो हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे पहले, ठीक है। अभी ये फैक्ट्री रिसेट कर लिया और वीडियो स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम लेगा, फैक्ट्री रिसेट होगा फिर ऑन होगा फ़ोन, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हम लोगों का कोशिश होगा कि शॉर्ट वीडियो बन जाए iPhone 6s प्लस। इंतज़ार करेंगे, अरेज हो जाए आप लोग कंप्लीट देख लें, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये रहा अरेज भी कंप्लीट हो गया, अभी फ़ोन अरेजिंग मोड में होगा और हम लोग वीडियो स्टॉप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अरेजिंग पे अभी एक क्लाउड मोड मेन्यू पे आ गया, इस पर ऑलरेडी एक क्लाउड है, मेन्यू पे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर अब हम प्रोसेस चलाएंगे आगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप वो प्रोसेस भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी फ़ोन को हम लोगों ने पावर ऑफ करना है, वही प्रोसेस शुरू में जो चलाया था वही प्रोसेस चलाना है, ठीक है। फ़ोन को पावर ऑफ करना है, PWMD FU मोड पे लेकर जाना है, तो पावर बटन 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है, उसके बाद रिलीज करना है, ठीक है। पावर बटन रिलीज करके आपका फ़ोन DFU मोड पे चला जाएगा और डायरेक्टली PWMD FU मोड पे भी चला जाएगा, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अभी
अभी PWMD एक्टिव मोड पे जा रहा है। और बस वही प्रोसेस है बूट, यानी रैम डिस्क, बूट रैम डिस्क करना है। बस रैम डिस्क मोड पे चला जाए और आपके वो आगे प्रोसेस हम बताएंगे। बहुत इजी है पासपोर्ट रिमूव करना, क्योंकि कोशिश करो जिस फोन पर भी पासपोर्ट हो उसको फ्लैश नहीं करना चाहिए। फ्लैश करोगे तो वो एक क्लाउड मोड पे चला जाता है और उसके बाद आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है एप्रो टूल से। तो ये बेस्ट है, फ्री में इधर हो जाता है, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगता है। तो प्लीज़ जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो प्लीज़ कोशिश करना उसको फुल देखना, कोई भी स्किप नहीं करना। अगर कोई पॉइंट स्किप किया, हर एक वीडियो का मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा पॉइंट स्किप नहीं करना ताकि आपको परेशानी ना बने। फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट रिस्टोर बैकअप करना है, ठीक है। ये हम लोगों ने बैकअप किया रिस्टोर, और उसके बाद फ़ोन का रिजल्ट देखेंगे, फ़ोन ऑन करके और देखेंगे कि क्या हालात है फ़ोन का। ये बैकअप रिस्टोर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ज़्यादातर कोशिश करना, जितने भी मेरे चैनल में वीडियो है एक भी स्किप नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। रहा बैकअप भी रिस्टोर हो गया कम्प्लीटली। अभी हम लोग फ़ोन की कंडीशन चेक करेंगे कि फ़ोन की क्या हालात है। फ़ोन ऑन हो रहा है अभी, ऑन होने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। ऑन हो गया अभी, इसको नेक्स्ट करेंगे और ले जाके आपका एक क्लाउड रिमूव हो गया, ठीक है। लैंग्वेज गलत सेलेक्ट किया हम लोगों ने, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है इंग्लिश। इसके टच में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसका टच लग जाता है, देख सकते हैं आप। और इसका एक लाउड कंप्लीटली रिमूव हो गया, ठीक है। टच प्रॉब्लम है, इसको अलग से हल करेंगे हम लोग इसको। तो मैं मेन्यू पे ले जाके फिर आपको देखा, टच में प्रॉब्लम था, टच का मसला भी हल किया। और ये देख सकते हैं आपका क्लाउड डायरेक्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और इधर भी ये फ़ोन आपका मेन्यू पे चला गया, ठीक है जनाब आला। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम आईडी ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। हमारे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।